नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। सर, अपना नाम और परिचय बताएं। सतनाम सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, नगर मुगलसराय से। सर, जैसे जाम झाम को लेकर के क्या इस पे आपका राय है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जो जरूरत का मुद्दा था उस मुद्दे पर ये बात स्टार्ट की है। और ये दिक्कत तो पूरे नगर में है, पूरा मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिसका नाम पड़ गया है, पूरा शहर इस समय त्राहिमाम कर रहा है, झेल रहा है इस चीज को। आप सड़क की का हाल देखिए, सड़क पर अगर आप निकलते हैं तो गुरुद्वारे से अगर आपको पुल पर जाना है तो वहां जाने में कभी कभी घंटा दो घंटे भी आपको लग जाएंगे, इतना अधिक जाम रहता है। प्रशासन लगा है लेकिन उस पर भी उसका उपाय निकल नहीं रहा है, कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा। तो इसलिए सोशल एक्टिविस्ट हूं तो मैं इस परेशानी का विरोध करता हूं। प्रशासन ने कई बार बैठकर टेबल पे एक खाका तैयार किया, नो पार्किंग जोन बनाएंगे, और उन्होंने इस पर तीन चार बोर्ड लगवाए भी हैं कि गल्ला मंडी से ये स्टार्ट हुआ है पुल तक। उसके बाद भी वहां पर देखिए लग तो गए, सरकारी जो पैसा है उसका व्यय हुआ, चीजें लग गई, नियम बना दिए गए, मगर नियम लागू नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए इस पर भी बात होनी चाहिए। सीओ महोदय ने अपनी पूरी टीम के साथ और आईजी महोदय, हमारे जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारियों ने इस पर मंथन किया लेकिन कोई भी चीजें अमल नहीं हो पाई। तो मैं इसका विरोध करता हूं कि क्यों नहीं हो पाई। अगर प्रशासन की इतनी बड़ी टीम है और उस पर अमल नहीं हो पा रहा है तो क्यों, प्रश्न चिन्ह नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्किंग का कोई भी व्यवस्था मुगलसराय में नहीं है। अब आप सोचिए, आपके पास मोटर बाइक है, कार है, आप जाते हैं बाजार में, परिवार के साथ जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, तो रोड पर आपको जो गाड़ी अगर आप रख कर जाते हैं तो गाड़ी पर कोई जो है धक्का मार देगा या गाड़ी पे स्क्रैच जा जाएंगे, या गाड़ी दुकानदार आपको खड़ा करने देगा ही नहीं, या तो पुलिस का डंडा आपको तुरंत चलेगा। तो मैं ये पूछता हूं प्रशासन से, अपने जो अधिकारियों से और माननीय महोदय जो हैं उनसे, कि क्या गाड़ी घोड़ा जो है हम लोग झोले में रख के चलेंगे? गाड़ी कहां पर रहेगी? पार्किंग की व्यवस्था ये पिता संस्था ने और मैंने मांग की थी, उस समय जो है साधना सिंह जी विधायक थी, और कि पार्किंग की व्यवस्था मुगलसराय में रखी जाए, की जाए, उस पर भी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। विधायक महोदय चेंज हो गए, बदल गए, माननीय रमेश जी इस समय विधायक हैं, नो डाउट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं ये उनसे निवेदन करता हूं कि पार्किंग का कोई उपाय मुगलसराय वालों को दिया जाए, उसकी व्यवस्था की जाए, ताकि हम लोग जब बाजार जाएं तो उसपे हम लोगों को अपनी कार बाइक रखने की जगह मिले। उसके बाद आते हैं कि रह रहकर अतिक्रमण अभियान चलता है। अतिक्रमण की देन है कि रोड पर इतना जाम लगता है, 100% में से 70% जाम जो लगता है अतिक्रमण की देन है। अतिक्रमण, दुकानदार महोदय अपना बिजनेस कर रहे हैं, जरूरी है उनके लिए, लेकिन उनको भी ये ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी दुकान की सीमा जहां तक हो वहीं तक वो दुकान को लगाएं। दुकानदारी भी जरूरी है लेकिन सीमा के अंदर रहना भी जरूरी है कि आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं, जो भी ग्राहक आते हैं, उनको भी एक जगह मिलनी चाहिए रास्ते पर जो है चलने के लिए। अतिक्रमण यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सड़क पर जो ठेले खोमचे वाले हैं भाई, देखो उनका भी ये पेट पालने का माध्यम है, उनका भी घर चलना चाहिए। तो सब्जी वाले हैं जो भी ये ठेले खोमचे वाले हैं, उनको भी बहुत दिन से मांग हो रही है कि उनको एक स्थान मिलना चाहिए सब्जी मंडी के लिए। लेकिन मैंने कहा ना कि अधिकारी, हमारे जिले के मंत्री, ये सब बात तो होती है लेकिन अमल बहुत नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत जो खाना पूर्ति होती है वहां पर आके चीजें रुक जाती है। सब्जी मंडी हो और जितने ठेले खोमचे हैं उनको एक अच्छा स्थान उनको जो है दिया जाए, ताकि वो जब रोड पर नहीं रहेंगे तो बहुत ही, समझिए कि जो अतिक्रमण हो रहा है, अतिक्रमण के बाद रोड इतना समझिए कि जो वो मतलब है कि ट्रैफिक रहता है, मेरा मतलब, उस पर इसका उपाय मिलेगा।
उसके बाद क्या है कि जे आप स्टेशन के बाहर आएंगे तो ऑटो जो खड़े होते हैं बहुत समझिए कि प्रभावित करते हैं वो रोड को जाम करने में ऑटो। और अगर आप उनसे थोड़ा सा बोलते हैं कि भाई पीछे कर लो आगे कर लो, तो यूनियन वो लोग की इतनी मजबूत है कि वो तुरंत मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे केस ऐसे भी हुए हैं जिसमें उनकी मारपीट भी हुई है, तो ऑटो वालों भाई ठीक है, मैंने कहा ना, मैंने ये चीज मैं बार बार कहता हूं कि सबकी रोजी रोटी बहुत जरूरी है, ऑटो वालों का भी पेट पालना जरूरी है, लेकिन मनबड़ जो है उनको भी इसका जो है तुरंत उनको भी चाहे प्रशासन उन पर एक्शन ले, मुकदमा करे, ताकि एक लेसन के रूप में जो बाकी ऑटो वाले हैं उस पर ये ध्यान दें कि हमारी लिमिटेशन कहां तक है, और उनको भी एक उचित व्यवस्था करके उनको एक स्टैंड दिया जाए। सबकी रोजी रोटी जरूरी है, मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ठेले खोमचे वाले, ऑटो वाले, दुकानदार सब, लेकिन सबको पता होना चाहिए कि हमारी लिमिट क्या है। हर इंसान की एक लिमिट तय है, तो उस चीज का ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए प्रशासन को जो उन्होंने नियम बनाए हैं उस पर अमल करने के लिए, चाहे उस जगह पर मैं ही क्यों ना हूं, उस पर जो है ये कड़ाई बरतनी पड़ेगी, मुकदमा करना पड़े, डंडे मारने पड़े, लेकिन उसका ये नहीं है कि अपने मनमानी आपने कहीं भी जो है डंडे चला दिए। प्रशासन है, लगा रहता है, लेकिन उसमें भी देखा गया है कि जो, अब देखिए मैंने कहा ना कि अगर आप बाजार जाते हैं तो गाड़ी मोटर बाइक अपने झोले में रखकर नहीं जाएंगे, रोड पर रखेंगे, तो प्रशासन को डंडा चलाने से पहले ध्यान देना पड़ेगा कि उसमें राइट और रॉन्ग कौन है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए और अमल होना चाहिए। उसके बाद मैं आता हूं कि हमारी जो मेन रोड है मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, वो मानक के अनुसार, ये मेरा मतलब है कि जनसंख्या के मानक के अनुसार अब नहीं रही। पहले बहुत पहले सालों पहले, सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक सिंगल रोड थी, उसके बाद रोड का चौड़ीकरण हुआ, डबल रोड बनी, क्योंकि वो डबल रोड जो है वो उस समय के जनसंख्या के मानक के अनुसार थी। सालों बीत गए, जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन जो आज की जनसंख्या मुगल सराय की है उस जनसंख्या के मानक के अनुसार मुगल सराय की मेन रोड नहीं है। अभी जैसे कि प्लान चल रहा है 6 लेन का, 6 लेन पड़ाव से लेकर गोदना मोड़ या उसके आसपास तक का प्लान है, बन रही है, और अभी समझिए कि जो है कछुए की चाल से बन रही है, बन जाएगी एक ना एक दिन, अच्छी बात है। और लेकिन जब वो रोड यहां पर मुगल सराय में आती है तो वो 6 लेन घट के 4 लेन वो रहेगी, ऐसा मैंने पढ़ा है अखबारों में। लेकिन 4 लेन में आप ये देखिए कि सड़क का चौड़ीकरण जो है कितना होगा, 5वें मुगल सराय में नहीं है। अब हम लोगों को पैदल चलने की जगह चाहिए ना भाई, आप अगर हम लोगों को 5वें नहीं देंगे, और जो 5वें बना भी हुआ है अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है वो, तो वहां पर जैसा कि मैंने कहा कि लोगों ने दुकानें लगानी शुरू कर दी है, और दुकानें, मैं कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था, अगर कानून सख्त हो जाए तो असंभव है कोई भी गलत काम होना, क्योंकि अगर वो खुद ध्यान देंगे और जो है कड़ाई करेंगे तो जितने भी वहां पर अतिक्रमण किया हुआ है उनको भी ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अच्छा, एक 5वें हम लोग को जरूरत है, 5वें की यहाँ पर जो हमारे विधायक जी हैं, चेयरमैन महोदय हैं, उस पर भी जो है ध्यान दें, रोड पे अतिक्रमण ना हो, अतिक्रमण की बहुत दिक्कत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पर सोशल एक्टिविस्ट मैं भी हूँ, मैं भी इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, किसी जो भी अधिकारी हो या हमारे जो मंत्री महोदय हो, तो जितने भी सोशल वर्कर हैं मुगल सराय के, उनको बैठाकर एक बार मीटिंग की जाए कि इसका उपाय क्या है, और हम सब भी प्रशासन के साथ हैं, हम लोगों से जो भी होगा वो जरूर करेंगे, लेकिन मेरे टोटल निचोड़ ये है, अतिक्रमण में जो इतना जोर दे रहा हूं, इस पर मेरा ये मतलब ना निकाला जाए, किसी की रोजी रोटी पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए, सबको एक उचित स्थान दिया जाए, वो ठेले खोंचे वाले हों, चाहे ऑटो वाले हों, चाहे दुकानदार हों, उनको स्थान दिया जाए, और पाथवे और रोड पर जो है बनाने पर और चौड़ीकरण पर, ये मतलब है कि प्रशासन का ध्यान रहे। मैंने कहा ना कि पीछे प्रशासन ने रोड मैप को तैयार किया था, लेकिन बहुत सारी बातें हैं,
कोई उसमें धर्म को ले आता है, कोई उसमें जो पदासीन पार्टी है उनके लोग चले आते हैं कि भाई मेरी दुकान यहाँ से क्यों पीछे हटेगी, मेरी गाड़ी क्यों हटेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। क्या सतनाम जी, जैसे कि मार्केट से अगर उस पार जाना तो कितना मैक्सिमम टाइम लगता है? देखिए, अगर आप मार्केट से उस पार जाना हो तो 10 से 15 मिनट काफी है। अगर रास्ता साफ सुथरा का मतलब है कि जाम नहीं है, तो ट्रैफिक नहीं है। लगभग अगर जाम और ट्रैफिक हो तो लगभग जाने में कितना टाइम लगेगा? इस पर कोई गारंटी देना देखिए मुश्किल है। आप एक घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, और एक घंटे से ऊपर भी लग सकता है जाम। आप देखिए कि पीछे के दिनों में जाम तो इतना है कि एक घंटे से ऊपर लग जाता है। स्कूल के बच्चे, आप खुद देखिए, स्कूल के बच्चे बसों में बैठकर घंटों उसी में रहते। एक तो वो थक हार के स्कूल से आते हैं, या तो जाते वक्त स्कूल में उनको लेट होती है, या स्कूल से जब वो लौट के आते हैं तो वो थक हार के उसी जो गर्मी में, आज तो मौसम ठीक है, गर्मी में, ठंड में, बरसात में, वो इतने समझे कि परेशान होते हैं। और ये चीज नहीं होनी चाहिए। वही हर मरीजों का होता है, किसी के यहाँ इमरजेंसी है, उसको जाना है, अतिक्रमण इतना है कि उनकी जो भी है, कार है, जीप है, वो आगे निकल नहीं पाती है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सतनाम जी, कहीं ना कहीं ये किसकी लापरवाही मानी जाए जाम को लेकर के? देखिए, लापरवाही पे अगर मैं आता हूं तो लापरवाही सबकी है इसमें। मैं नागरिक हूं, मेरी भी लापरवाही है, दुकानदार है उनकी भी है, अतिक्रमण करने वालों की भी है, प्रशासन की भी है। और सबसे अधिक जिम्मेदारी, और इसका मैं कहूं तो जो ये ठीकरा फोड़ूंगा कि जिनको हमारा ये नगर दिया गया है संभालने के लिए, वोट दिया गया है, उनको इस पर तो बात करनी चाहिए। हमारे चाहे चेयरमैन हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनको इस जो परेशानी है, ये कोई नई परेशानी नहीं है। हमारे सांसद मोहम्मद पिछले जो है 10 साल से है, मुगल सराय जो है दर्जा दिया गया है, तो मुगल सराय तो एक मिसाल के रूप में होना चाहिए। एक उनको मतलब बताना चाहिए कि देखो मेरे जो कार्यकाल में मुगल सराय का हाल क्या था और क्या हो गया। लेकिन इस जो ये गहन दिक्कत है, इस पर गहन मंत्रणा भी होनी चाहिए और इस पर कुछ काम भी होना चाहिए। सतनाम जी, जैसे यातायात माह चलता है, यातायात माह को लेकर के प्रशासन अलर्ट रहती है, इससे क्या लगता है आपको, प्रशासन अलर्ट है? देखिए, एक महीना वो अलर्ट रहती है, वो मतलब है कि चालान कर देते हैं या लोगों को समझा बुझा लेते हैं। जैसे सतनाम जी, यातायात नियम का लोग पालन कराते हैं और जाम झाम से मुक्त नहीं मिल पाती अपना पीडीयू नगर, और इसमें अगर किसी का अगर चालान के लिए इसमें कोई कार्रवाई अपने प्रशासन कहीं से कसर नहीं छोड़ती है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन इसमें पूरी तरह से जो है गलत है। चालान मनमानी हो रहे हैं, जिनके नहीं भी होने चाहिए उनके भी मतलब हुए हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं, मुझे वक्त मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं सामने ले आऊंगा। तो प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई कई चीजों पर वो पूरी तरह से जो है गलत है।